पुलिस अधीक्षक जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज आशीष कुमार तथा उनकी टीम ने OLX पर गाड़ी की एड देखकर संपर्क करने के बाद वो ठगी करके उस गाड़ी को ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी रिसेंटली 9 तारीख को उचाना थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसपे OLX पर एड देखकर उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करके गाड़ी को और उसके मालिक को बुलाकर वहाँ पर गाड़ी को ट्रायल के बहाने आरोपी लेकर फरार हो गया था। इस प्रकार के जब हमने इस मामले की जांच की तो आगे जब गहनता से जांच की गई और इस आरोपी को काबू किया गया तो हमने अब तक इससे 9 गाड़ियां बरामद की हैं और इस प्रकार के इसने लगभग 12 मामले जो अब तक ये कर चुका है। अभी गहनता से इससे और भी पूछताछ की जा रही है। जो रिसेंट मामला हुआ था उचाना का, उसमें एक ऑल्टो गाड़ी को ले जाया गया था और उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। एक उचाना की है और जो बाकी 8 गाड़ियां बरामद की गई हैं उनके जो केसेस हैं उनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है। जो ये सारे मामले थे इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो यही है कि ये सारी की सारी तकरीबन वो गाड़ियां हैं जो OLX पर बेचने के लिए जिनकी एड लगाई जाती थी और बाद में ये उनसे संपर्क करके उनको बुलाकर वहां पर उन्हें एक एश्योरेंस देता था, वहां पर एक वीडियो भी बनाता था, ये जो खरीदार होता था उसके साथ एक वीडियो बनाता था, उनसे एफिडेविट भी साइन करवाता था। बाद में कुछ मामलों में ये भी संज्ञान में आया कि उनको एक चेक भी देता था अपने अकाउंट के, लेकिन वो अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं होते थे, वो मतलब बेसिकली ठगी की नीयत से ही उस गाड़ी को लेके निकल जाता था। कहाँ का रहने वाला सर? ये आरोपी विक्रमवासी डोहाना का रहने वाला है। इससे पहले ये 12वीं पास है और इससे पहले ये भैंसों का व्यापार भी करता था। देखिए अभी तक जो रजिस्टर्ड मामला है वो उचाना का ही सामने आया है। बाकी जो गाड़ियां हमने इससे बरामद की है उनके भी जो मुकदमे हैं उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में केस दर्ज है या नहीं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कुछ मामले जो अभी तक हमारे नोटिस में आए हैं कि कुछ लोगों ने सिविल सूट भी इसके खिलाफ डाले हैं, क्योंकि चेक बाउंस का भी मैटर बनता था, क्योंकि कुछ मामलों में इन्होंने कागज एफिडेविट साइन करके दिए हैं और उसके अलावा प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन जो चेक दिए हैं वो बेसिकली अकाउंट में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस के भी केस डले हुए हैं इसके खिलाफ। उन गाड़ियों को तकरीबन ये जैसे मालिक से विश्वास में लेकर एफिडेविट भी साइन करवा लेता था और उससे ओरिजिनल कागज भी ले लेता था तो उस गाड़ी को औने पौने भाव में आगे जल्दी से जल्दी बेच देता था। ये लगभग पिछले 1.5 साल से इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे रहा है। देखिए अभी तक की जो पूछताछ में बात सामने आई है वो ये आई है कि इसे भैंसों के व्यापार में इसको घाटा पड़ गया और उसके बाद इस तरीके के ठगी के काम इसने करने शुरू कर दिए। अभी इसे 4 दिन के रिमांड पे लिया गया है और इससे जो हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम है वो इससे लगातार पूछताछ कर रही है और भी अगर कुछ मामले खुलेंगे तो उनको भी जल्दी ट्रेस आउट किया जाएगा। देखिए जैसे अपनी आईडी जो ये था वो ओरिजिनल ही प्रोवाइड करता था खरीदार को, जो बेचने वाला होता था गाड़ी उसको जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि अपने अकाउंट के चेक भी उनको प्रोवाइड करवाता था, लेकिन बाद में जब वो चेक लगते थे तो उसमें अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं होता था और बाद में वो कोर्टों में धक्के खाते रहते थे। हमारे पास जो शिकायत आई थी वो 9 तारीख का जो उचाना का मामला था उसमें शिकायत आई थी और उसमें FIR भी दर्ज की गई थी और FIR दर्ज करने के बाद जब डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने उसकी जांच की तो ये तब सारे का सारा मामला खुला।